नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 12। और पाठ संख्या 12 का नाम है अव्यय। निम्नलिखित को पढ़ो और समझो। वह तेज चल रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, चलो तेज चलो, हवा तेज बह रही है। इन वाक्यों में तेज शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि उसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया गया है। मतलब तेज शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम करेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हवा तेज बह रही है, रमन ध्यान पूर्वक पढ़ता है। यहाँ तेज शब्द से बह रही है तथा ध्यान पूर्वक शब्द से पढ़ता है, क्रिया की विशेषता पता चल रही है। अतः ये क्रिया विशेषण है। जो तेज शब्द है वो बहने को बता रहा है और जो ध्यान पूर्वक है वो पढ़ने की बात हो रही है। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। सबसे पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय का बोध कराता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं, वह कल जाएगा, आज विद्यालय खुलेगा। तो जब भी ये क्रिया हो रही हैं, इनके समय का हमें पता चल रहा है। किससे? प्रतिदिन, कल और आज से। तो यहाँ प्रतिदिन, कल व आज शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण, अभी, कब, कभी, प्रातः, पश्चात, फिर, शीघ्र, कल, अभी अभी आदि। अब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, जिससे हमें क्रिया के स्थान और दिशा का पता चल सके, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उधर आग जल रही है, ऊपर मत जाओ, कोई भीतर है। यहाँ ऊपर, उधर व भीतर क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, जहाँ, अंदर, बाहर, उधर, चारों ओर, निकट, कहाँ, यहाँ आदि हैं। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हरी कम बोलता है, उतना लो जितना खा सको, पानी बहुत ठंडा है। उपयुक्त वाक्यों में कम, उतना, जितना, बहुत शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इतना, कितना, केवल, बस, जल्द, काफी आदि। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं कि किस तरह से क्रिया की जाती है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज तेज चल रहा था, तोता मीठा बोलता है, घोड़ा अचानक मर गया। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द तेज तेज, मीठा और अचानक क्रिया होने की रीति का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं।
कुछ प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पैदल, मुस्कुराहट, अवश्य, शायद आदि। अब है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द या शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों या शब्द के साथ जो प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे तालाब के भीतर मछलियां हैं, कौआ मुंडेर के ऊपर बैठा है, हमारे घर के सामने पेड़ है। इन वाक्यों में के भीतर, के ऊपर तथा के सामने शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित निम्न प्रकार हैं: अनिल के पास अपार धन है, घर के समीप ही एक कुआं था, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है, डर के मारे उसकी चीख निकल गई, रावण सेना समेत मारा गया, वर्षा होने के कारण वह विद्यालय नहीं जा पाया, पर्वत के नीचे नदी बहती है, कथा सुनने के पश्चात किशन घर चला गया, आजकल सभी काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं, गौरव चुनाव में मयंक के विरुद्ध खड़ा है, उसके अवगुणों की अपेक्षा गुणों पर ध्यान दो, पुलिस चोर के पीछे लगी है। फिर है समुच्चय बोधक। जो अव्यव दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पवन और अशोक मित्र हैं, और दो शब्दों पवन अशोक को जोड़ रहा है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तो जो की है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आशा है, एक वाक्य आप स्वस्थ होंगे, दूसरा वाक्य इन्हें जोड़ रहा है की। यह टीवी है और वह रेडियो, और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। अब है समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। सबसे पहले संयोजक। वे शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों में मेल प्रकट करते हैं, संयोजक होते हैं। जैसे मीना, मधु और गीता विद्यालय चले गए, मुझे पेंसिल और रबड़ चाहिए। प्रमुख संयोजक हैं और, तथा, एवं, जो कि, चूंकि, की, यदि, अर्थात, आदि। अब है विभाजक। विभाजक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते भी हैं और उनके अर्थों को अलग भी करते हैं। जैसे वह चला जाए या तुम जाओ, दोनों नहीं। तो इसे जोड़ भी दिया हमने, या से वह चला जाए या तुम जाओ, लेकिन इनके अर्थ को भी अलग कर दिया, मतलब दोनों नहीं जाए, या तो वह चला जाए या तुम जाओ। अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। प्रमुख विभाजन है या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, इसलिए, लेकिन, अगर, मगर आदि। फिर आता है विस्मयादि बोधक। वाक्य में प्रयोग जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, शाबाश, तुमने परिवार का नाम रोशन कर दिया, छी, कितना गंदा बालक, वाह, क्या सुहावना मौसम है, हाय, मैं लुट गया, अरे तुम कब आए। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बाप रे बाप, शाबाश, छी, वाह, हाय और अरे मन के विभिन्न भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक हैं। जिन शब्दों से हम अपने हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं, वो होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय निम्न प्रकार हैं:
क्रोध सूचक, दूर हो, चुप, जा, चल हट आदि, जब हमें अपने क्रोध को दर्शाना होता है। हर्ष सूचक, वाह, शाबाश, आह, क्या खूब, धन्य, वाह आदि। भय सूचक, हाय राम, अरे बाप रे, त्राही त्राही आदि। विस्मय सूचक, ओह, हैं, क्या, अरे आदि। स्वीकृति सूचक, हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा आदि। घृणा सूचक, छी छी छी, धिक, दुर दुर आदि। संबोधन सूचक, अरे, ओ, हे, अजी आदि। अब देखते हैं बच्चों क्या पढ़ा और क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अव्यय किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनका अर्थ किसी भी परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा दो तथा उसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। संबंध बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय का क्या अर्थ है? तो बच्चों पाठ को दोबारा से पढ़कर और पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर सामने लिखो। मैं आज जाऊंगा, तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। मनोज अभी अभी गया है, इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। इतना ज्यादा मत सोया करो, तो ये है परिमाणवाचक। इतना ज्यादा मत सोया करो, तो यहाँ पर ज्यादा है क्रिया विशेषण, क्योंकि वो सोने को बता रहा है, उसकी एक तरह से हमें परिमाण के बारे में बता रहा है कि ज्यादा मत सोया करो। परिमाणवाचक वे यहाँ नहीं आएंगे, इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय चुनकर लिखो। उसके सामने मत बैठो, तो संबंध बोधक अव्यय है के सामने। पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, के ऊपर। शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, के बिना। घर के बाहर मंदिर है, के बाहर। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखो। अरे आप कब आए, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। हाय राम, मैं तो लुट गया, छी छी, कितनी गंदी जगह है। तो बच्चों अब आपने पाठ का अच्छे से पुनः पाठन करना है और प्रश्नों के उत्तर अवश्य देने हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।